Welcome back, dear students. This is our lecture number 2 in photosynthesis. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस वी विल डिस्कस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स. लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे हिस्ट्री की, इट वाज इन 1727 दैट ए साइंटिस्ट नेमली स्टीफन हेल्स गेव ए बिग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि ये जो प्लांट्स है they get part of their food from the air. They get their part of the food from air. Yeah. इसका मतलब है light must be involved in the process. उससे पहले साइंटिस्ट क्या बोलते थे? उससे पहले साइंटिस्टों का ये मानना था कि plants obtain all their nutrients, all their food they get from the soil. Air का किसी को concept नहीं था, सनलाइट का किसी को कंसेप्ट नहीं था. तो स्टीफन हेल्स ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट प्लांट्स ऑब्टेन पार्ट ऑफ देयर फूड फ्रॉम द एयर एंड लाइट मस्ट बी इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस. ठीक है, तो इसने क्या काम किया स्टीफन हेल्स ने? इसने बता दिया एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी एयर के द्वारा ये कोई फूड प्रिपेयर करता है, इट प्रिपेयर्स फूड. हिंट कहाँ की ओर था? फोटोसिंथेसिस की ओर. लेकिन उन दिनों फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट नहीं था जी. और कंसेप्ट ये और क्या हिंट था? दैट सनलाइट परहैप्स प्लेज अ रोल, जो बाद में प्रूव भी हुई. यस, इट प्लेज अ रोल. लेकिन इसकी ये जो बात थी ये सब साइंटिस्टों से अलग बात थी जी. इसलिए इसका नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ा. कौन? स्टीफन हेल्स. आज आप इस साइंटिस्ट को जानते हो. He is the father of plant physiology. Okay. Number 2, very important experiment, जिसको हम बोलते हैं Joseph Priestley's experiment. It was a milestone experiment. Joseph Priestley. मैं यहाँ पे केवल वही experiment discuss कर रहा हूँ जो आपकी textbook में है. जी. Which are related to our NEET exam. तो Joseph Priestley आए दूसरे scientist after Stephen. कब आए जॉर्ज प्रीस्टली? इन 1770. क्या किया जॉर्ज प्रीस्टली ने? व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? जो जॉर्ज प्रीस्टली ने एक्सपेरिमेंट किया दैट इज अ फेमस एक्सपेरिमेंट. उसको हम बोलते हैं बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट भी. इन्होंने क्या लाया? देखो, जॉर्ज प्रीस्टली ने एक कैंडल लाई जी. ठीक. और दूसरा चीज इन्होंने माइस लाया या रैट जिसको हम बोलते हैं रैट. तीसरा इन्होंने एक प्लांट लाया, यूजुअली दैट वाज अ मिंट प्लांट लाया. ओके, ये तीन चीजें इन्होंने लाए जी. एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले जॉर्जिफ ने क्या काम किया? जॉर्जिफ ने एक कैंडल लाई और इस कैंडल को बर्न किया, जलाया जी. और इस कैंडल के सामने आसपास रख दिया एक रैट को. ठीक है ना जी. कैंडल जल रही है और रैट भी वही साइड में है. लेकिन जल्दी ही इसने क्या किया? इसने एक बेल जार लाया जी. बेल जार. ये जो इसने बेल जार लाए, इसने इसको कवर किया. अंदर कौन कौन रह गया? कैंडल रह गई और रैट रह गया जी. कुछ पलों के लिए कैंडल जल रही है, लेकिन सोन जैसे हमने इसके ऊपर बेलजार रख दिया, इट डिमिनिश्ड. ओके, जलना बंद हुआ. अब ये कैंडल क्या हुई? डिमिनिश हो गई जी. अब जलना बंद हुआ बिकॉज कंबस्टन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है जी. लेकिन जब हमने ऊपर कवर कर दिया, अब ये कैंडल जलेगी नहीं. अब ये बुझ गई जी. जब ये कैंडल बुझ गई, लेकिन हम सोन देखते हैं, ये जो यहाँ पे ये रेड था, रैट की भी डेथ हो गई. कैसे हुई डेथ? जब कैंडल जल रही थी, यहां से कोई गैस निकल रही थी. ओके, वो गैस शायद इस रैट ने इनहेल की होगी जी. और ऑक्सीजन भी यहाँ पे नहीं है जी. तो इसका मतलब है रैट डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन. रैट मर गया होगा जी. तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, रैट डाइड. ओके, तो दूसरा किसने क्या किया? दूसरा जॉर्जिफ ने फिर से कैंडल लाई, फिर से कैंडल को जला दिया जी. फिर से रैट को लाया,
दूसरे रेड को ये वाला तो मर गया जी, और क्या लाया साथ में, और लाया साथ में एक प्लांट। तीनों को एक जगह रख दिया किसने, जोसेफ प्रीस्ली ने। जब तीनों को एक जगह रख दिया इसके बाद क्या किया, कैंडल जल रही है, रेड भी वहीं पे है और प्लांट भी, अब इनको कवर कर दिया विद ए बेल जार। हो गए ना बेटा कवर जी, हो गए। प्रोसेस यही रिपीट होना चाहिए था, शायद कैंडल बुझ जाती और रेड मर जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कैंडल जलती रही और रेड भी जिंदा रहा। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, देखिए क्या हुआ। एक्चुअली जब ये कैंडल यहाँ पे जल रही है, यहाँ से कोई गैस निकलती थी, वो गैस डायरेक्टली रेड पी जाता था, इसको सफोकेशन हो रही थी, एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था, दूसरे इस गैस के कारण। तो यहाँ पे जो कैंडल से ये गैस निकल रही है, ठीक है ना, ये गैस पी रहा है यहाँ पे प्लांट जी, और प्लांट इसको चेंज करता है इनटू अनदर फॉर्म, और वो अनदर फॉर्म आ जाती है रेड के पास। फिर आगे ये प्रूव हुआ था, ये जो कैंडल जल रही है इसके द्वारा ये जो गैस निकलता है दैट इज फ्लोजिस्टन, इट वाज नोन एज फ्लोजिस्टन गैस। कौन सा गैस, जो कैंडल के बर्न करने से गैस निकल, जी, वो फ्लोजिस्टन किसने लिया शाबाश, दैट वाज टेकन बाय द प्लांट, दैट वाज टेकन बाय द प्लांट। और प्लांट ने क्या काम किया, प्लांट ने इस फ्लोजिस्टन को चेंज किया इनटू डिफ्लोजिस्टन, इनटू डिफ्लोजिस्टन, इसने गैस को चेंज किया इनटू अनदर फॉर्म, है तो गैस ही, अनदर फॉर्म में चेंज किया। और ये जो डिफ्लोजिस्टन है, ये डिफ्लोजिस्टन यहां से फिर आया किसके पास, रेड के पास, सो इट वाज टेकन बाय द रेड। अब क्या हुआ, रेड को, रेड सर्वाइवड, कैंडल भी जल रही है और ये प्लांट भी यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है कैंडल नहीं बुझी तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण भी हुआ होगा। देखिए फिर आगे पता चला, ये जो फ्लोजिस्टन था जो यहाँ पे ये गैस निकलती थी, इट वाज एक्चुअली टॉक्सिक गैस, इसी टॉक्सिक गैस के कारण रेड की डेथ होगी। ये जो डिफ्लोजिस्टन है इट इज नॉन टॉक्सिक, ये तो नॉन टॉक्सिक है, इट कैन नॉट किल द रेड। ओके, तो फिर आगे आगे तो ये प्रूव हुआ था, फ्लोजिस्टन वाज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट वाज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, and डिफ्लोजिस्टन was O2, it was actually O2, ये O2 जब निकलता था, एक तो इस पे रेड भी सर्वाइव करता था, दूसरा कैंडल भी जल रही थी। सो दस इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रूव हुआ था ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। तो जॉर्ज प्रीस्ली को एक क्रेडिट जाता है, इसके एक्सपेरिमेंट को एक क्रेडिट जाता है दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, he is the discoverer of oxygen. तो फ्लोजिस्टन क्या है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चेंज किसने किया, प्लांट ने इनटू डिफ्लोजिस्टन। अगर आप देखोगे दिस इज फ्लोजिस्टन CO2, डी फ्लोजिस्टन, डी मीन्स कुछ इसमें कम है, वो कम क्या चीज थी, कार्बन। तो यहाँ पे फिर क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बाहर आता है, लेकिन याद रखिएगा किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, एक्चुअली ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, वो अलग एक एक्सपेरिमेंट में है, लेकिन इस समय मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ इट इज इन 1770, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जॉर्ज प्रीस्ली ने, इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। ओके, इसके बाद और भी साइंटिस्ट आते हैं जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट बयान करते हैं, ठीक है। दोज एक्सपेरिमेंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।